इंडिया गठबंधन नई ताकत के साथ रामलीला मैदान में दिखा। संदीप पाठक हमारे साथ है। संदीप जी, आज यहां से क्या लेकर के जा रहे हैं? आज यहां से ये प्रतिज्ञा लेकर जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन पब्लिक के प्रेशर को ये संभालेंगे कैसे। उन्होंने एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, दिल्ली के हर घर में एक अरविंद केजरीवाल जी है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मोदी जी, ये आपका षड्यंत्र, ये आपका पॉलिटिकल प्लान फेल हो गया, उल्टा पड़ गया। अब आप अपने अगला प्लान बताइए कि अगला प्लान क्या है। सुनीता केजरीवाल जी ने यहाँ पर 6 गारंटियाँ दी मंच से। आमतौर पर हम देखते थे मुख्यमंत्री केजरीवाल गारंटियाँ देते थे, तो एक तो इनके द्वारा गारंटी वो अंदर हैं हिरासत के अंदर, तो क्या ऐसे आगे लेती हुई दिखेंगी सुनीता केजरीवाल? देखिए, केजरीवाल जी की गारंटी है, केजरीवाल जी की गारंटी को लेकर सुनीता केजरीवाल जी आई थी। उनका पत्र था, उनके संदेश थे, उनको जनता के सामने उन्होंने रखा है। मोटा मोटी बात यह है कि देश ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार राजनीति को इसी जमीन से जन्म दिया था। अब देश के पाले में फिर से ये जिम्मेदारी है कि इस ईमानदार राजनीति को जिंदा कैसे रखा जाए। एक पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है, और देश अगर इंपॉर्टेंट है तो ईमानदार राजनीति को बचाना पड़ेगा। क्या आगे रैली करती हुई दिखाई देंगी हमें सुनीता जी इस तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए, हम सबको, आपको भी करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, सबको रैली करनी चाहिए। देश के घर के एक एक आदमी को, हर परिवार से एक एक आदमी को अब रैली निकालनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने भी यहाँ पर 5 सूत्री मांग को पढ़ा। इंडिया ब्लॉक के तरफ से बेसिक आधारभूत, अगर आप देखेंगे आधारभूत मुद्दे जो उन्होंने रखे, वो जितने भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी को याद दिलाया, ईडी सीबीआई के जो दुरुपयोग है उनको याद दिलाया, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को, सोरेन साहब को इन्होंने गिरफ्तार किया, और अनगिनत कितने लोगों को गिरफ्तार किया, मनीष सिसोदिया जी अंदर, सत्येंद्र जैन जी अंदर, उन सब की रिहाई की मांग की। आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा, एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन है द इकोनॉमिस्ट, उसने एक लेख लिखा है, उसमें कहा है कि आमतौर पर संभ्रांत वर्ग होता है वो लोकप्रिय नेताओं से दूरी बनाता है, लेकिन मोदी के मामले में ऐसा नहीं है, उनके लिए काफी उनके बीच में पॉजिटिविटी है। एक बार फिर से, इकोनॉमिस्ट है, उसने एक आर्टिकल लिखा है, उसने कि संभ्रांत लोग होते हैं जो बाहर रहते हैं देश से बाहर, वो ज्यादातर लोकप्रिय नेताओं से दूर रहते हैं, लेकिन मोदी जी के लिए ऐसा अलग देखने को मिला, उनके बहुत पॉजिटिविटी उनके लिए देखी गई, ऐसा आर्टिकल है। देखिए, मोदी जी का आप अगर पूरी अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे, मैं व्यक्ति विशेष पे नहीं जाना चाहता हूं, आप मोटा मोटे समझेंगे कि मोदी जी का व्यक्तित्व तो क्या है या वो कौन है, आपको समझ आएगा कि सारा का सारा हवा में है, सारी बातें हवा में है। ये आर्टिकल भी आप ऐसे ही देखते हैं? आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल भी वैसी है, आर्टिकल, सारी चीजें हवा में है। तो पूरा टाइम, पूरा फोकस चुनाव प्रचार, मीडिया का मैनेजमेंट, सोशल मीडिया का मैनेजमेंट, फर्जी बातें, फर्जी स्लोगन, और अगर जमीन पे देखेंगे महिलाओं के लिए कुछ हुआ नहीं हुआ, महिलाओं के अन्याय, जो लोग अन्यायी हैं उनको आप अपने साथ रख रहे हैं, किसानों के लिए आपने किया, किसानों का आपने दमन किया, बेरोजगारों के लिए आपने, देश आप बना कैसे रहे हो, आप देश बना, देश बन ही नहीं रहे। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से व्यवस्थाओं को एक एक करके ये तोड़ रहे हैं, तो देश तो नहीं बन रहा है, फिर क्या बन रहा है, फिर फर्जी बातें, लाग लपेट, गोल गोल, हवाबाजी, तो सारा हवाबाजी है। और उनके काम अगर आप अच्छे से ठंडे दिमाग से सोचोगे, तो ईडी को बर्बाद किया, सीबीआई को बर्बाद किया, एसबीआई को बर्बाद किया, इसको बेच दिया, उसको बेच, यही उनके काम है। अगला कदम क्या रहने वाला है सर? अगला कदम जनता तक जाएंगे, हर घर में, हर परिवार में केजरीवाल है, अब वो केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। बिल्कुल, तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि भले ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उनकी पार्टी का हर एक वॉलंटियर, हर एक नेता केजरीवाल है, और इसी संदेश के साथ वो देश भर में जाएंगे। प्रोड्यूसर विजय के साथ जितेंद्र भाटी, भारतवर्ष, दिल्ली।